के सोलो सीन से शुरुआत हुई और फिर बाद में तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये सहवान है ना, हाँ ये बेपनाह में था ना, मैंने इसकी गॉसिप सुनी थी। थॉट है लोगों का कि इंसान तभी बड़ा होता है जब वो मेन लीड करता है। तुम्हारे कंधे पे शो है ये अलग चीज है। अब तुम्हारे कंधे पे शो लेके चलना, 3 साल गया है शो, मेरा कोई भी शो इतना लंबा नहीं गया है। नहीं, ऑडियंस के साथ नहीं छूट रहा है, सिर्फ हमारा एपिसोड आना बंद हो रहा है। राब्ता जो है हमारा ऑडियंस के साथ वो तो रहने ही वाला है। वो कनेक्ट तो बन गया, वो तो हमेशा रहेगा। आई थिंक वो लाजमी है। होता क्या है कि आप 3 साल किसी के साथ बिताते हैं, 3 साल रोज काम करते हैं एक दूसरे के साथ, ऊपर से दोस्ती भी अगर अच्छी हो जाए ऑफ स्क्रीन भी, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि ये फैमिली बन गई है, वो फिर वो शो बंद होने लगता है तो लगता है फैमिली टूट रही है। मतलब डर होता है कि टूट ना जाए, अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे, अब दोबारा ये सेम लोग काम नहीं करेंगे, दोबारा हमें ऐसा रोज ऐसा आमना सामना नहीं होगा। आई थिंक वो डर वो उसी तरह का डर है जैसे किसी माँ का बच्चा छोड़ के किसी बाहर देश जाता है ना पढ़ने या फिर काम करने, तो माँ की जो फीलिंग होती है कि अब नाता टूट रहा है और उस तरह की चीज़ें होती हैं। आई थिंक वही इमोशन है होता है अपने शो के साथ। दिस शो इज़ आर बेबी। 3 साल हमने बहुत कुछ दिया है इसको, वक्त के साथ साथ इमोशन दिए हैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, अदरवाइज सीखा बहुत कुछ है इस शो से। रिलेशनशिप्स हैं बहुत सारे, मतलब एक फैमिली बनी है, वो सब डर लगता है कि शायद ये ख़त्म ना हो जाए। तो आई थिंक वो मोमेंट है, वो इमोशनल मोमेंट है। मल्हार, आई हैव लिटरली प्लेड मल्हार, आई हैव बीन मल्हार, आई कैन बी मल्हार एनी टाइम। मतलब सो के भी उठता हूँ तो मैं मल्हार बन सकता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है। आई थिंक तो रीम के साथ भी ऐसा ही है। रीम को अभी कन्फ्यूजन है कि वो रीम है या कल्याणी है, या कल्याणी ही रीम है या रीम ही कल्याणी है। तो आई थिंक इट्स सेम विद ऑल ऑफ अस। आई डोंट नो यार, 3 years इज अ लॉन्ग जर्नी, बट रिसेंट अगर मैं एक बहुत प्यारी मेमोरी बताऊँ, सो जब 700 एपिसोड का केक कट हो रहा था और जब मैंने वो 700 देखा एंड आई गॉट रियली इमोशनल था, बिकॉज 700 इज अ वेरी बिग डील। और उस वक्त में मुझे वो सब याद आ गया कि लाइक यू नो हाउ इट स्टार्टेड, एंड यू नो उस वक्त कहीं ना कहीं पता भी था दैट मे बी दिस इज ऑल्सो गोना एंड। सो आई थिंक दैट इज़ अ मेमरी, जो रिसेंट टाइम की मेमरी जो हमें हमेशा याद रखूंगी। यार मेरे पास तो बहुत मेमोरीज हैं। मुझे ना जब कोई सिलेक्ट करने के लिए बोलता है ना कि सबसे अच्छी मेमोरी बताओ, सबसे फेवरेट कलर बताओ या सबसे फेवरेट चीज़ बताओ, इन सब में से सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं वहाँ हमेशा से कन्फ्यूज जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही क्यों, और भी तो हो सकती हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे लगता है कि मेमोरेबल हैं और मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक सीन उनमें से रीम को ऐसे गोद में लेके मैंने शगुन से अथर्व से लड़ाई करता हूँ मंडप में पूरा, और पूरे मतलब पूरी लड़ाई मैंने इसको गोद में लेके करी है। वो सीन बहुत स्ट्रेनिंग था। मेरा शगुन का एक कुश्ती का सीन है जिसमें बजरी पे हमें, मतलब क्योंकि रेत आ नहीं पाया था, वो बजरी थी तो हम एक बार भी गिरते थे हमें चुपती थी वो, और हम मतलब बाय द टाइम जब वो सीन ख़त्म हुआ था हम लहूलुहान हो गए थे लिटरली ऑफ स्क्रीन। तो वो सीन बहुत मुश्किल था हम दोनों के लिए मैनेज करना, जबकि हम कुश्ती के बारे में जानते नहीं थे कुछ, एज सच कोई एक्शन डायरेक्टर नहीं था, हम खुद ही फिगर आउट कर रहे थे कैसे करना है क्या करना है। सीन बहुत अच्छा निकल के आया, बहुत ही मेमोरेबल सीन है। एक सीन ऐसा है जिसमें मैं पूर्वा को गोद में उठा के भागता हूँ और गुंडों को मारता हूँ, वो भी बड़ा मुश्किल सीन था। एक सीन था इसमें हम घंटा घर पे लटके हैं, वो क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी, इसको जाके मुझे संभालना था, वो भी करना था और फिर सीन भी करना था, एक्शन भी करना था, तो वो मैनेज करना, वो सब वहाँ से गिरना, वो सब पूरे सीन वहाँ पे इतने हाइट पे चढ़ना, वो मेमोरेबल रहेगा। पानी के अंदर का एक सीन था हमारा जो हमने अक्सा के पानी के अंदर का हमने वो सीन किया, वो भी काफ़ी मुश्किल सीन था हमारे लिए। एक उसके हमने सीन्स जो काटे थे वो पूल के अंदर काटे थे, पूल के अंदर का पानी गंदा हो गया था कि आंखों में चुभने लगा था वो, लेकिन तब भी सीन तो ख़त्म करना था, तो वो सीन भी। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं मेरे पास जो मेरे लिए मेमोरेबल हैं। अरजान के साथ बहुत सारे सीन्स हैं मेरे जो मैं कभी नहीं भूल सकता, मोक्ष के साथ अब बहुत है बहुत है, मैं बोलता चला जाऊंगा। 3 साल में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने। हाँ,
मुझे अभी पता लगा कि मैं अकेला नहीं था, प्रोड्यूसर भी थी हमारी, उसका भी सवाल यही था कि ये कर पाएगी रोमांस इतना। बट हाँ, होता क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत चीज़ें एज के हिसाब से सीखता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो मदरली फीलिंग हो। तो मुझे लगता था कि रीम के लिए हाउ वुड शी डू इट, मतलब एक्टिंग अच्छी चीज़ है, इंसान कर लेता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है कि माँ के नुआंसेस क्या होते हैं, एक वाइफ के नुआंसेस क्या होते हैं, एक यू नो एक लड़की जो रोमांस कर रही है उसके। तो शी वॉज, आई थॉट शी वॉज टू यंग फॉर इट, शी लुकड यंग फॉर इट, बट देन आई डोंट नो हाउ शी मैनेज एंड वेयर शी ग्रैब्ड इट फ्रॉम, शी डिड इट ब्रिलियंटली। इवन द कैरेक्टर्स एज अ यू एज अ माँ फॉर अरजान, फॉर मोक्स, शी डिड इट ब्रिलियंटली, और इवन फॉर द रोमांस द नुआंसेस आई वॉज एक्सपेक्टिंग, शी किल्ड इट एंड आई एम अमेज्ड। ऑल्सो आई लेटर रियलाइज कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बचपन से एक्टिंग कर रही है तो इसको पता है सब ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए नया है, शी हैज़ लर्न ऑलरेडी। तो या नहीं, एक्चुअली ऐसा मेरा कोई परसेप्शन नहीं था, बिकॉज मैं खुद में बहुत ज़्यादा खोई हुई थी कि कल्याणी का कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। हर दिन कल्याणी का कैरेक्टर यूज़ टू यू नो टेक अ टर्न, एज यू नो कि कल्याणी का आई थिंक इकलौता कैरेक्टर है जिसने बहुत सारे शेड्स देखे हैं, बहुत सारे इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं, फ्रॉम बींग अ किड टू दिस डिस्टर्ब टीनेजर, देन बींग दिस I was actually the villain of the show for a long period of time when I wanted to kill Anupriya. So Kalyani ne itne zyada you know Kalyani had so many layers and so many shades to her that main hamesha apne character mein khoi rehti thi. But when I shot with him तो मुझे इतना लगा, बिकॉज मेरा मॉक शूट शगुन के साथ हुआ था एंड ही वॉज लाइक नो दिस हाइपर एक्टिव बहुत बोलने वाला पंजाबी मुंडा, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही इज द हीरो ही इज गोना मैरी मी, सो ही वॉज वेरी क्वाइट सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन टाइप राइटर टाइप। तो फिर मुझे आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट या। तो फिर मुझे तब लगा नहीं था कि हमारी दोस्ती कहीं आगे जाएगी, या फिर आई थॉट ही विल बी यू नो जस्ट दैट अनदर को एक्टर फॉर मी ऑन द सेट। मुझे कभी नहीं लगा था दैट हमारी दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी, एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम इन दिस शो। आई थिंक कहते हैं दैट यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आप किस तरह बड़े हो रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई हैव ग्रोन अप इन दिस शो एंड आई हैव बीन विद द राइट पीपल, सो आई थिंक आई हैव ग्रोन अप द राइट वे। मिस तो बहुत करने वाला हूँ। एक स्ट्रेंज थिंग है, इट्स आई डोंट नो, आई नेवर रियलाइज्ड इट टिल द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग राबता। अपेरेंटली हमारे इंडियन टेलीविजन में इंसान को इज्जत ज़्यादा मिलती है जब वो मेन लीड होता है और कैरेक्टर नहीं होता है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। इंटरनेशनली ऐसा होता नहीं है, एक्टर एक्टर है तो एक्टर है, चाहे वो मेन लीड कर रहा हो, चाहे वो सेकेंड लीड कर रहा हो, चाहे वो पैरेलल लीड कर रहा हो। तो जब तक मैं सारे शोज़ कर रहा था वो पैरेलल लीड थे मोस्ट ऑफ देम, तो मुझे लगता था कि मैं काम कर रहा हूँ सब अच्छा है। बट देन आई व्हेन आई साइन दिस शो एंड एज अ मेन लीड एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी, इवन माय क्लोजेस्ट पीपल कॉल्ड मी एंड सेड फाइनली तुझे मेन लीड मिला है, फाइनली तुझे। तो आई वाज लाइक ओ, मैं तो काम तो मैं कर ही रहा था ना, लेकिन काम तो मैं कर रहा था, अच्छा काम, मेरा काम अप्रिशिएट हो रहा था। एक शो छोड़ता था दूसरा शो, मतलब इट वॉज नॉन स्टॉप गोइंग ऑन। बट आई नेवर रियलाइज के एक थॉट है लोगों का कि इंसान तभी बड़ा होता है जब वो मेन लीड करता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इस शो के बाद पता लगा, और फिर पता लगा कि ओ तुम्हारे कंधे पे शो है ये अलग चीज़ है। अब तुम्हारे कंधे पे शो लेके चलना और उसको आगे लेके जाना, मैंने कहा ओ ये एक नया टास्क है। एक तो मुझे ये पता नहीं था कि अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया था, फाइनली मुझे ये ब्रेक मिला है, जो इससे पहले थे वो सब ब्रेक नहीं थे। तो पहले इसी में सवाल था, फिर ये था कि अब तुम्हारे कंधे पे शो देखते हैं कितना जाता है। तो और अपेरेंटली सम हाउ थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है 3 साल गया है शो, मेरा कोई भी शो इतना लंबा नहीं गया है, मतलब नेवर हैपेंड। 3 साल कोई शो नहीं चला है मेरा, दिल मिल गया भी 2 साल चला था, 3 साल तो नहीं चला है कोई। It's a happy feeling. It's a very happy feeling. Also, I think the way characters were devised, Sonali ma'am ne jis tarah se character devise kiye the Malhar ka aur Kalyani ka, bahut poles apart the. I am glad it was devised like that. Above that,
द स्क्रिप्ट वॉज रियली नाइस, जो हमारे सीन्स आते थे बहुत अच्छे आते थे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमने इम्प्रोवाइज इतना किया है कि वो सीन फ्लो में जाते थे पूरे. ऐसा लगता नहीं था कि किसने लिख के दिया, ऐसा लगता था कि ये बातें चल रही हैं लोगों की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल ये. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट, एंड देन ऑफ कोर्स फैंस हु लव्ड अस एंड हु अप्रिशिएटेड आवर वर्क, एंड या इट्स I'm humbled. We all are humbled right now, and I hope Kalma stays forever. कोई भी नया एक्टर आता था तो क्या करते थे? See, the thing is that Purvadi and I have always bonded like friends. Very curious he, always. She's always been a mother to me, but we've bonded like friends always, and. हम दोनों के सबसे ज़्यादा सीन्स होते थे साथ में इनिशियली. हम लोग साथ में अहमदाबाद भी गए थे, सो वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर सिंस द बिगिनिंग. एंड ही स्टार्टेड शूटिंग अ लिटिल लेट विद अस, इनके सोलो सीन्स से शुरुआत हुई और फिर बाद में. तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये सहवान है ना, हाँ ये बेपनाह में था ना, मैंने इसकी गॉसिप सुनी थी, ये था वो था, और ऐसे ऐसे करते करते वी वुड ऑलवेज यू नो एंड अप स्टॉकिंग द पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, वेर एवर पॉसिबल. वी डिड द सेम विद रज्जो. देन एक मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी, बट हमारे शो में एक कैरेक्टर आया था 2 महीने के लिए. तो जब वो आया था तो हम मैं और पूर्वादी एक दिन बैठ के उसे स्टॉक कर रहे थे, उसका इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे, एंड ऐसे स्टॉक कर रहे थे, वीडियोज़ देख रहे थे. मुझे उस इंसान का मैसेज आया, स्टॉकिंग मी ऑर व्हाट on social media, like Purvadi, how does he know that we are stalking him right now? It was like genuinely mere phone mein stalk kar rahe hain usko, aur upar uska message pop out hota hai that they're stalking me on Instagram ? An explanation, and I was like pakde gaye how do you know? You just accidentally liked my very old picture. छह महीने जाके पुरानी पिक्चर लाइक कर दी तो पता लगना ही था. हुआ होगा, याद नहीं मुझे, हुआ होगा, वो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा जरूर. नहीं नहीं, मीटिंग चल रही है, ऑफर नहीं आया है, मीटिंग चली है, मीटिंग हुई थी मेरी, बात हुई है, ऐसा कुछ कंफर्म कुछ नहीं है. अब ऊपर वाला जानता है तो अब मैं भी नहीं कह सकता कुछ, देखिए क्या होता है. लागवा में अपने दोस्तों के साथ, मैं, पूर्वा, रज्जो, रीम, हम पूर्व उसके आव साहब के साथ, सविता जी के साथ लागवा दिखेंगे. लागवा कैफे है हमारा यारी रोड पे, दोस्तों का, हम वहाँ बैठते हैं काफ़ी. थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट लूज होप, बिकॉज वी एंट लूजिंग एनी राइट नाउ. आई होप वी गाइज, यू गाइज सी अस टुगेदर ऑन स्क्रीन अगेन, बट ऑफ स्क्रीन यू विल सी अस ऑफन एज या. And thank you for all the love you have showered. It means a lot. It has really motivated us to do better and more every time. And love you guys.